गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम आपके थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। उसमें हम बताएंगे कि आपको अपने कॉपी में क्या क्या लिख के तैयार करना है। वैसे तो मैंने जितने भी अपने वीडियोस दिए हैं इस टॉपिक पर, उनमें जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो सारे आपको अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद इनकी एक्सरसाइजेस में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना है, शॉर्ट में फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ करना है। इसमें पहला है, डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। ये आंसर आपको अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार के अंतर्गत मिल जाएगा। फिर माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। माइक्रो कंप्यूटर आकार के आधार पर कंप्यूटर के अंदर आपका टॉपिक है वो मिल जाएगा। सुपर कंप्यूटर भी आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकारों में से एक है। मिनी तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर भी आपका आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकारों में मिल जाएगा। ये सारे तीनों क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड हैं। इसके बाद वेरी शॉर्ट आपको सारे करने हैं। पहला है, इसमें उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्यीय कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्यीय कंप्यूटर। बस आपको इतना ही लिखना है। फिर उसके बाद पोर्टेबल कंप्यूटर क्या है। पोर्टेबल कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो बैटरी से चलते हैं और जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम आसानी से कैरी कर सकते हैं। एग्जाम्पल में लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गई। थर्ड है आपका, आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। फिर नेक्स्ट है, वर्तमान समय में कौन से पीसी सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं। तो वर्तमान समय में माइक्रो कंप्यूटर से रिलेटेड पीसी जो हमारे घरों में है वो प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है, उदाहरण से दीजिए। डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में पेज नंबर 16 में आपका छोटा सा दिया हुआ है, दो ही लाइन है, तो ये आप दोनों लाइन तैयार कर लीजिएगा विद एग्जांपल आपका पर्सनल कंप्यूटर। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपका लघु का आंसर 1 से मैच करता है, लेकिन इसमें सिर्फ प्रकार लिखने हैं, आपको प्रकार के बारे में विवरण नहीं करना है, प्रकार के नाम लिख देने हैं। तो अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बाद आपका 1 word आंसर है, जिसमें पहला है आपका, एक कंप्यूटर को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसमें है, एक कंप्यूटर को सभी आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें आपका अनुप्रयोग के आधार पर, आकार के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, ये तीनों का डिस्क्रिप्शन आपने ये चैप्टर में पढ़ा है। उसके बाद है, दाब, तापमान इत्यादि की गणना करते हैं। तो दाब और तापमान दोनों की गणना कौन करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। फिर थर्ड है आपका, निम्नलिखित में से कौन से डिजिटल कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। तो एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, बाकी माइक्रो, सुपर और मेन फ्रेम कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। घरों में मुख्यतः किस प्रकार के कंप्यूटरों का प्रयोग होता है। तो घरों में मुख्यतः माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग होता है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर का एक प्रकार है, सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं। लैपटॉप किस वर्ग के कंप्यूटर का उदाहरण है, तो लैपटॉप माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। आकार के आधार पर कंप्यूटर होते हैं, तो आकार के आधार पर कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर। मिनी कंप्यूटर को कितने व्यक्ति के साथ प्रयोग कर सकते हैं, तो मिनी कंप्यूटर को 10 व्यक्तियों के साथ प्रयोग कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर का एक उदाहरण नहीं है, तो लैपटॉप एक सुपर कंप्यूटर नहीं है, जबकि अनुराग, क्रेवन और परम तीनों सुपर कंप्यूटर के नाम हैं। मौसम की भविष्यवाणी के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले कंप्यूटर हैं, तो मौसम की भविष्यवाणी के लिए सुपर कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं। बस बच्चों, आपको इतना ही पढ़ना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू, आज का वीडियो यहीं तक।